ग्वालियर चंबल इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार ग्वालियर चंबल इलाके का दौरा कर रहे हैं, तो इधर जयवर्धन सिंह भी लगातार सिंधिया को घेरने में लगे हैं। और अब भिंड से लगातार 7 बार के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को कांग्रेस ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर ग्वालियर चंबल इलाके में अपना दावा मजबूत किया है। ग्वालियर चंबल में उन्होंने मजबूत तो दावा किया है, लेकिन दिग्विजय सिंह और ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी के प्रभारी हैं। आपको यह भी बता दें कि विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में से 26 सीट पर कांग्रेस विजयी रही थी। क्षेत्र सिंधिया जी का तब था जब वो कांग्रेस में थे। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, ग्वालियर चंबल अंचल की कमान संभाले। आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष देके और जयवर्धन सिंह जी के साथ युवा ऊर्जावान नेतृत्व देके कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से वहाँ भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी बढ़त बनाई। गोविंद सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता बने, उनकी बहुत दिनों की तड़प थी वो। और जहाँ तक दिग्विजय सिंह का सवाल है तो वो हमारे लिए शुभंकर हैं। वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो लुटिया डुबोते हैं कांग्रेस की। जहाँ तक हमारे महाराजा सिंधिया का सवाल है तो वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और ग्वालियर चंबल के सम्मानी नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद गया है, अध्यक्ष पे संकट के बादल हैं, तो बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? कांग्रेस की संस्कृति ऐसी है, परंपरा कांग्रेस में परिवारवाद की है, तो इसलिए वो परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं अध्यक्ष के नाते।